हे गाइस, वेलकम बैक। सैमसंग गैलेक्सी F41 के काफ़ी कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कैमरा के अराउंड आप बहुत तगड़ी लाइट इनेबल कर सकते हैं अलग अलग कलर के साथ, और बहुत सारी यहाँ पे एनिमेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखते रहना कंटिन्यू वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें कौन सा चल रहा है जब मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स बना रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो वन यूआई कोर वर्जन 2.1 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और स्टार्ट कर लेते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के। आप आते हैं रिसेंट में, और रिसेंट में आने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ओपन इन पॉपअप विंडो। मतलब जैसे मी यूआई में आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाता है, उसी तरह आपको वन यूआई में भी पॉपअप विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मल्टीपल विंडोज़ आप ओपन करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इन विंडोज़ को आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और विंडोज़ को टेम्पररी क्लोज कर सकते हैं, फिर ओपन कर सकते हैं, और जितना आपको साइज चाहिए उतना रख सकते हैं। सो यार, इसका भी आपको यूज़ करना चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इसके वजह से आपको क्विक टॉगल में ही अलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप क्विक टॉगल से अलवेज ऑन डिस्प्ले को एक्सेस करके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और यार, यहाँ पे अलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको लॉक स्क्रीन पे रखने के लिए अलग अलग डिजिटल और एनालॉग क्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जस्ट मैंने अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं फ़ोन को लॉक करता हूँ तो यार यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे अलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो क्लॉक आया है या जो भी अलग अलग क्लॉक्स है उनके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ऑप्शन आपको कस्टमाइज़ करने के मिल जाते हैं। ये भी यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑप्शन है। उसी तरह ये जो क्लॉक है उसको भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे। और जो अलवेज ऑन डिस्प्ले आपको पसंद आता है सो यार यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यार ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्यूचर है। उसके साथ बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्यूचर की, जो यार आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे एडवांस सेटिंग में यहाँ पे एसेसिबिलिटी में एडवांस सेटिंग में। तो यहाँ पे आप कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो फ्लैश लाइट ऑन रखने या डिस्प्ले को यहाँ पे ब्लिंक करने का ऑप्शन रख सकते हैं, मतलब आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑन ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो डिस्प्ले है वो ब्लिंक आउट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो इसको भी इस ऑप्शन को भी आपको इनेबल करना चाहिए। और हाँ गाइज, स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। सो होम स्क्रीन को प्रेस करके होल्ड करना है, उसके बाद आपको होम सेटिंग में आना है, और यहाँ पे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल को आपको इनेबल करना है। उसके बाद आप स्क्रीन के हाफ पोर्शन से भी स्वाइप डाउन करते हो तो आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। और आप नेविगेशन बार या नाव बार की यूज़ करके बोर हो चुके हो तो आपको फुल स्क्रीन गेस्चर इनेबल करना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आना है आपको आना है एडवांस फीचर्स में, और यहाँ पे आपको नीचे नाव बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन गेस्चर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसको इनेबल करना है तो यहाँ पे आपको अलग अलग दो टाइप के फुल स्क्रीन गेस्चर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको सेकंड के ऊपर क्लिक करना है। तो जस्ट आप सेटिंग से स्वाइप अप करते हो तो ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा, और सेटिंग में जाके या स्वाइप अप करके होल्ड करते हो तो ये रिसेंट आ जाएगा, और सेटिंग में जाके लेफ्ट राइट स्वाइप करते हो तो आपको बैक जैसा ये वर्क करते हुए नज़र आएगा। सो यार मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए ये फुल स्क्रीन गेस्चर, और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं वन यूआई में, और यार आपको ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए। उसके साथ आप फ़ोन को वन हैंड मोड से यूज़ करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन आपको फ्यूचर्स में एडवांस फीचर्स में देखने को मिल जाता है। सिंपली इसको इनेबल करना है, और जब आपका जो गेस्चर लाइन है उसको स्वाइप डाउन करना है, उसके साथ ही ये वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। और यार काफ़ी इजीली आप फ़ोन को वन हैंड से ऑपरेट कर पाओगे। तो यार ये फ्यूचर पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार बहुत बड़े बड़े स्क्रीन के फ़ोन आ रहे, हम वन हैंड से फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाते। सो यार इस फीचर को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और इस फीचर को आपको ज़रूर इनेबल करना चाहिए। और गाइज, ओनली 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं यार, 1000 लाइक ज़रूर कंप्लीट कर देना। उसके साथ आपको डार्क मोड यार डेफिनेटली इनेबल करना चाहिए।
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डार्क मोड आपको ये वन यूआई में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार एक एमोलेड पैनल के साथ जो डार्क मोड का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बढ़िया होता है। सो यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग में डार्क मोड देखने को मिल जाएगा, आप यार इसका शेड्यूल भी एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, आप यार यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। और ब्लू लाइट फिल्टर ये ऑप्शन जरूर ट्राई कर लेना, ये आँखों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और आप हेडफोन से बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनते हो तो आपके लिए एक फीचर देखने को मिल जाता है, क्विक टॉगल में ही आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो डॉल्बी एटमॉस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हेडफोन यूज़ करते हो तो यार ये फीचर को ज़रूर यूज़ कर लेना, बहुत बढ़िया या म्यूजिक की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यहाँ पे और आपको इक्विलाइजर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटम्स के जस्ट नीचे, सो इस ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, रॉक पॉप नॉर्मल जो भी आपको पसंद आता है वही यार म्यूजिक का मोड यहाँ पे आप रख सकते हैं। और सबसे एडवांस फीचर यहाँ पे मुझे देखने को मिला अडप्ट साउंड, तो यार जब आपको किसी का कॉल आता है तो कॉल का जो आवाज़ होता है उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने एज के हिसाब से। तो मान लीजिए मतलब कोई भी 60 ईयर्स ओल्ड होगा तो ये जो स्पीकर होगा वो थोड़ा सा लाउड ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे कुछ यार बेसिक फीचर मिलते हैं जो यार वन यूआई को पूरा परफेक्ट बना देते हैं। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हो कि बैटरी परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट इस बैटरी परसेंटेज को आप इनेबल कर सकते हैं, क्विक टॉगल में आना है, उसके सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आपको नीचे स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे शो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली इसको इनेबल करना है, उसके साथ ही आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज इनेबल हो जाएगा। और गाइज आपको लग रहा है कि आपका फ़ोन टच करने के बाद थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपको डिस्प्ले सेक्शन में आना है, टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल करना है, उसके बाद आपका टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि फ़ोन में जो ऐप ओपनिंग स्पीड है वो कम हो चुका है एनिमेशन की वजह से, सो गाइज इस एनिमेशन को भी आप डिसेबल मतलब बंद कर सकते हैं। तो सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रिड्यूस एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली उसको इनेबल करना है, उसके बाद देख सकते हो ऐप ओपन करके आपको कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिल जाएगा, फटाफट यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होते रहेंगे। और गाइज यहाँ पे सबसे बेस्ट एक फीचर देखने को मिल जाता है, आप स्क्रीन शॉट लेते हो तो स्क्रीन शॉट को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे स्क्रीन शॉट के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी, और उसे आप सेव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आपको आना है सेटिंग में, एडवांस फीचर में, स्क्रीन शॉट में आना है, और स्क्रीन शॉट टूल बार के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके साथ ही यहाँ पे ये फीचर इनेबल हो जाएगा। और गाइज इस फीचर को तो इनेबल कर ही लेना, फिंगरप्रिंट से आप क्विक टॉगल को एक्सेस कर सकते हैं, और एक बार यूज टू हैंड ये फीचर हो गया तो यार आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। तो देख सकते हो वेरी क्विकली आप क्विक टॉगल को फिंगरप्रिंट सेंसर से एक्सेस कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आना है, मोशन एंड गेचर्स में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, सो सिंपली इसे इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है थर्ड नंबर पे, फिंगरप्रिंट सेंसर गेचर, इसको इनेबल करना है, और ये इनेबल करने के बाद आप फिंगरप्रिंट सेंसर से भी क्विक टॉगल को एक्सेस कर सकते हैं। और लाइव कैप्शन ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है, आप कोई भी इंग्लिश वीडियो देखते हो तो नीचे आपको लाइव इंग्लिश का कैप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सो इसको इनेबल करना है तो सेटिंग में आना है, एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, और यहाँ पे एसेसिबिलिटी सेटिंग में आपको हेयरिंग सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आपको लाइव कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली इसे इनेबल करना है, हालांकि ये अभी ओनली इंग्लिश को सपोर्ट करता है बट आप इसे यूज कर सकते हैं वन यूआई में। उसके साथ वन यूआई में मतलब सैमसंग गैलेक्सी 41 में आपको लॉन्चर सेटिंग में गेम लॉन्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब ये एक गेम टर्बो की तरह मतलब गेम टर्बो ही है, और यहाँ पे आपको सेटिंग में अलग अलग गेम्स के ऊपर सेटिंग अप्लाई करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड, और यहाँ पे आप बैलेंस बैटरी सेविंग ओनली परफॉर्मेंस भी रख सकते हैं, और बायोमेट्रिक्स एंड सेटिंग में आप आईफोन की तरह अपने फेस आईडी को यहाँ पे ऐड करके उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फेस आईडी ऐड किया है, बट यहाँ पे देख सकते हो आईफोन की तरह ये खुल रहा है, बट स्वाइप अप करने के बाद ही ये होम स्क्रीन पे आ रहा है, और इसको हटा भी सकते हैं, तो ये ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको फेस रिकॉग्निशन में देखने को मिल जाते हैं।
आँख बंद करके भी इस फ़ोन को आप खोल नहीं सकते फेस आईडी से, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसको भी यार ज़रूर इनेबल कर लेना। सो यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो फेस अनलॉक है मुझे थोड़ा सा क्विक भी देखने को मिल चुका है। सो आँख बंद करके इस फ़ोन को आप खोल नहीं सकते। उसके साथ मुझे पता है कि आप इस फीचर का इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने कैसे यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर कैमरा के अराउंड नोटिफिकेशन लाइट या कैमरा के अराउंड लाइट इनेबल किया है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, AOD सर्च करना है, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसके मेन सेटिंग में आना है और सभी परमिशन को आपको इनेबल करना है। उसके बाद परमिशन इनेबल होने के बाद आपको सिंपली सेव करना है। उसके बाद आना है आपको लाइटिंग सेटिंग में, और लाइटिंग सेटिंग में आने के बाद इनेबल नॉच सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो नॉच है आपका उसको ओ टाइप मतलब जीरो टाइप सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करके आपके फ़ोन के सेंटर में लेके आना है। और यहाँ पे सेंटर में जब आता है तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स रखने का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उस लाइट को पूरा कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे शेड में 2-3 कलर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और जैसे कस्टमाइज़ होगा तो यहाँ पे आपको इसको सेव करना है। उसके साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन या आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर अलग अलग क्लॉक भी रख सकते हैं, जो क्लॉक आपको पसंद आता है सिंपली उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे बैटरी परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल करना है, और उसके बाद सिंपली आपको सेव करना है। और सेव करने के बाद यार इस एप्लीकेशन को आप प्रीव्यू से यूज़ करना है, और प्रीव्यू से यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। सो आपको जब भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, मतलब जब भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करना है, तो AOD इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सिंपली प्रीव्यू में आइए, और प्रीव्यू में आके आपको इसको रखना है। सो गाइस मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रिक आपको बेस्ट लगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।